नई दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद थे। इस दौरान मध्य प्रदेश चुनाव पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश की तकरीबन सभी हारी हुई सीटों पर मंथन हुआ। बैठक में मध्य प्रदेश की 39 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा हुई। 25 विधानसभा उम्मीदवारों पर सहमति बनी और गुरुवार को उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। सीईसी की इस बैठक में G20 के सफल आयोजन का प्रस्ताव भी पास किया गया। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो मौजूद थे। इसमें 39 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई, लेकिन 25 प्रत्याशियों के नाम पर सहमत बन चुकी है। साथ में इस पूरे बैठक में जो हारी हुई विधानसभा सीट है मध्य प्रदेश की, उनके ऊपर में भी खासी गहन चर्चा हुई कि कैसे उन सीटों को जीता जाए। कल प्रत्याशियों की नामों की दूसरी लिस्ट आ सकती है। आज हालांकि मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होना था, लेकिन प्रधानमंत्री का चूँकि छत्तीसगढ़ का दौरा है, तो इसकी वजह से अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान के ऊपर में केंद्रीय चुनाव समिति किसी और दिन बैठेगी और उसके बाद में वहाँ के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी। लेकिन मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों की जो दूसरी लिस्ट है वो अब कल तक आ सकती है। कोशिश यही है, बीजेपी की रणनीति यही है कि जो कमज़ोर सीटें हैं उन पर पहले प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो, ताकि उन प्रत्याशियों को वक्त मिल सके अपने अपने विधानसभा में चुनाव प्रचार करने का, रणनीति बनाने का, और जो नाराज़गी होती है कार्यकर्ताओं की उसको दूर करने का एक उनको मौका मिले। क्योंकि इस बार बीजेपी ने एक अलग तरीके की रणनीति बनाई है कि जो कमज़ोर सीटें हैं वहाँ पर पहले प्रत्याशियों की घोषणा करने की रणनीति उन्होंने बनाई है। क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवारों को की देर से घोषणा करने से उसका सियासी खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था, तो इसी के चलते बीजेपी ने अब बदलते वक्त में बदलती जो रणनीति है उसको अपनाई है। दिल्ली से राकेश कुमार सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।